हेलो दोस्तों, आज आपके लिए जॉब से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये देख लिया होगा, ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पीओ की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकली है। इसमें हम पूरी डिटेल जानेंगे, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन है इसकी 1 तारीख से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट जो है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए वो 31 जनवरी है। ठीक है, और एग्जाम डेट जो है वो 17 मार्च 2021 को होगा। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है वो अपने जहन में रखिएगा, 31 जनवरी है। 31 जनवरी से पहले आपको ये आवेदन करने हैं और 17 मार्च 2021 को आपका ये ऑनलाइन एग्जाम है। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। यही मानिए कि अगर 17 मार्च को एग्जाम है तो आपका 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब एप्लीकेशन देखिए, जनरल और ओबीसी के लिए ₹700 है, एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के लोगों के लिए ₹125 है इसमें एप्लीकेशन फीस। एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो मिनिमम एज 21 साल है, तो मिनिमम एज 21 साल दी हुई है, मैक्सिमम एज जो है 30 साल दी हुई है। एज रिलैक्सेशन रूल के हिसाब से दिया है। पीओ की पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। देखिए पोस्ट थोड़ी कम है, 59 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकला है ये, तो पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन तब भी भरिए, फॉर्म अच्छा एग्जाम है। जिसकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, उनको ये फॉर्म भरना चाहिए, और जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो तो गारंटीड ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपके लिए बस एक सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, साइंस साइड से हो, कोई भी हो, आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बस सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। अब आप देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते हैं। जनरल के लिए 25 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 16 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4 है, बैकलॉग 1, टोटल 59 पोस्ट है। तो ये आपने कैटेगरी वाइज देख ली। ठीक है, अरे सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखिए ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, दो पेपर होंगे एक दिन में, पहले ऑब्जेक्टिव होगा, उसके तुरंत बाद होगा डिस्क्रिप्टिव, मतलब तुरंत बाद नहीं, एक आध घंटे का, एक डेढ़ घंटे बाद इसमें आपको, एक डेढ़ घंटे बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव भी। ठीक है, और उसके बाद आपका जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब मार्क्स की वेटेज देखिए, 80:20 है। ठीक है, रेशियो 80:20 का दिया हुआ है, मतलब आपको रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पैटर्न देखिए, सबसे पहले पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ये। ठीक है, इसमें देखिए आपके कितने सेक्शंस आएंगे, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। अब रीजनिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और टाइम जो होगा 40 मिनट होगा। इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम आप 40 और टाइम जो होगा 30 मिनट होगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जीए जो होगा 40 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम जो होगा 20 मिनट। अब आप देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा 50 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम आप 50 और टाइम जो है 40 मिनट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 200 नंबर क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 200, मतलब 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और टाइम जो है 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 140, 1 घंटा 40 मिनट नहीं, 140 मिनट, मतलब 2 घंटा 20 मिनट का कुछ आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सही है, टाइम भी ज्यादा दे रहे हैं, तो इस एग्जाम को जरूर भरना चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस हो तो ही भरना, अगर नहीं कॉन्फिडेंस हो तो मत भरना। ठीक है, कॉन्फिडेंस हो तभी भरना इसको, अगर तैयार हो तो। ठीक है, अब देखिए, अब डिस्क्रिप्टिव देखते, दूसरा पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला होगा इससे राइटिंग, इसमें से 2 में से आपको 1 करना होगा, 20 मार्क्स का आएगा। दूसरा प्रिसाइज राइटिंग आएगा, उसमें भी 2 में से 1 आपको करना होगा। टोटल 40 मिनट दिए जाएंगे, 40 मिनट दिए जाएंगे और 40 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे, दोनों ये आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो लोग अच्छे से इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जो लोग ये रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उन लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से इसको तैयारी करिए, 80:20 का रेशियो है इसमें। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो ईसीजीसी का फॉर्म भरिए। आप लोग पीओ की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, इसमें मैंने बता दिया दो पेपर होंगे। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। पहला पेपर 200 मार्क्स का आएगा और दूसरा पेपर जो है वो 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 40 मिनट इसमें दिए जाएंगे दूसरे पेपर में। ठीक है, तो ये बढ़िया एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है,
और देखिए सिलेबस भी सेम सेम वही होता है, सारे एग्जाम का एक ही सिलेबस होता है, चाहे बैंक ले लो चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, सब में सिलेबस रीजनिंग आती है। अब तो यूपीएससी सीसेट में रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, तो रीजनिंग मैथ्स तो आती आती है, ठीक है। कंप्यूटर भी आती है, जो बैंक एग्जाम्स होते हैं पीओ के, तो कंप्यूटर भी आएगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जीएस बोल सकते हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये सब तो आता ही आता है, हर पेपर में आता है। तो सिलेबस तो सेम वही होता है, आपको हिस्ट्री पॉलिटी वो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया से मेहनत करिए, अच्छा एग्जाम है ये, ठीक है। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी, अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।